हर हर महादेव। भारतवर्ष में शिव के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन आज हम आपको अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के तीसरे ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, जहां माता पार्वती का शक्तिपीठ और महादेव ज्योतिर्लिंग स्थित है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। माहौल देखिए आप, बाबा बैद्यनाथ धाम का क्या बात है। ये है बाबा हमारे साथ, ये हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी भाई लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल हिमालयन अमित पे। और इस समय है, हम खड़े हैं झारखंड के देवघर बैद्यनाथ धाम के नगरी में, और ये है हमारी जर्नी का तीसरा ज्योतिर्लिंग। 2200 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली बैद्यनाथ धाम, और सुबह का बज रहा अभी 6। हम लोग बस नहा धो के तैयार होके निकले हैं बैद्यनाथ धाम पे दर्शन करने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए। तो जो भी प्रोसेस होगा वो सारा पता चलने वाला है कि मंदिर का दर्शन भी होने वाले हैं, आपको दर्शन प्यारे से कराएंगे। तो चैनल पे जो नया है सारे सब्सक्राइब कर लेना, फटाफट बेल आइकन दबाना और कमेंट में हर महादेव लिखना। बाकी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ से, हमारे होटल से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता बसता है बैद्यनाथ धाम का। फिर वहाँ से कहाँ जाना होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वासुकी नाथ में भी जाना इंपॉर्टेंट होती, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो फटाफट हम आपको लेके चलते हैं बैद्यनाथ धाम, ज़्यादा ना वेस्ट करके, और दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या प्रोसेस है। सारे लोग, वो देखो वो भाई हमारे व्लॉगर हैं, वो भी जो है रेडी हो चुके हैं और अपना तैयारी व्यारी कर रहे हैं व्लॉग की। और एक भाई साहब हमारे और हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चैन भाई कहाँ चलते हैं? से बैद्यनाथ धाम, हर हर महादेव। तो भाई साहब ये देखो टोटो, भैया टोटो, ये देखो टोटो पकड़ के अब हम जाएंगे सीधे बैद्यनाथ धाम। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम सारे, क्योंकि ऑब्वियसली 2200 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद लगातार हमारा नवा दिन है, शायद हमारी जर्नी का ये नवा दिन है, और अभी तक हमारे तीसरा ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, वो सारा आपको वीडियो में पता चलने का, तो वीडियो स्किप मत करना। चलो आपको लेके चलते हैं बैद्यनाथ धाम। ये देखो भाई, ये हैं बैद्यनाथ धाम की गलियां जो सीधे कनेक्ट करती हैं आपको मंदिर से। होटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, खाने वगैरह का हर चीज़ का व्यवस्था पूरा प्रॉपर। ये देखो सुबह सुबह का माहौल है ये, और यहीं कहीं से दर्शन होंगे बाबा के, अभी देखना मंदिर के। ये है मंदिर का एरिया, कॉरिडोर बोल सकते हैं इसे। ये देखो VIP द्वार है यहाँ पे, मंदिर की लाइन जो है स्पेशल वाली, VIP दर्शन वाली, ये VIP दर्शन का गेट है। ये देखो लिखा हुआ बिना कार्ड प्रवेश ना करें। तो कार्ड कैसे, मतलब मैं दिया। देखो भाई कार्ड दिखाता हूँ, ये इस तरीके के कुछ कार्ड हैं जो कि मिलता है गवर्नमेंट प्राइस पे 250 रुपये, जिसे लेके आप जो है VIP दर्शन की एंट्री कर सकते हैं। ये सारे VIP जा रहे हैं। ये देखो हमारी गाय माता आराम करवा रही है, और वो दोनों बंदे हमारे जो हैं VIP दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं। और भैया जी कैसे खड़े हो आप, दर्शन दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं? भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि मंदिर के परिसर में ही आपको चढ़ाने वाली सामग्री मिल जाती है, जल वगैरह जो बाबा पे चढ़ता है। अच्छा ये चढ़ता है, कहाँ गए? ये देखो आ रहे हैं लोग। तो भाई साहब हम लोग खड़े हैं लाइन में दर्शन करने की, और ये देखो हमारे हाथ पे गंगा जल प्रसाद सारी सामग्री है। ये हमारे चैन बाबू भी खड़े हैं, हाँ VIP दर्शन। हाँ पंडित भाग गया था भी वापस पकड़ लिया उसने, उसी के चेले को वापस ले आए। बोल बाम बोल बाम बोल बाम बोल बाम बोल बाम। ये देखो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, कितना प्यारा मंदिर है भाई, देख के तो अच्छा लग रहा है। और ये देखो गठबंधन वाली गांठ, माहौल देखिए आप बाबा बैद्यनाथ धाम का, क्या बात है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। भीड़ देख रहा, भीड़
बहुत ज्यादा भीड़ है और ये देखो नीचे भी लगी हुई है। वीआईपी वाले कृपया अपने पैसे वेस्ट ना करें, वीआईपी और नॉन वीआईपी दोनों एक ही लाइन में हैं, सब एक समान है बाबा के दरबार में। इस लिंग का स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार असुर राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस लिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने अनुमति दे दी पर इसे चेतावनी के साथ कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा, मतलब वो वहीं स्थापित हो जाएगा। और वही हुआ, रावण शिवलिंग को लेकर चला पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघुशंका निवृत्ति हुई। रावण उस लिंग को एक व्यक्ति को थमाकर लघुशंका निवृत्ति करने चला गया। इधर उन व्यक्ति को ज्योतिर्लिंग का बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति भी उठा पाए ना उखाड़ सके और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गाड़ कर लंका को चला गया। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग का जो है धरती पे स्थापना हुई। तो ये देखो, हमारी दर्शन के बाद मत्था टेकने के बाद ये मंदिर जो है सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ही मंदिर है जहाँ शिव पार्वती का गठबंधन होता है। और ये देखो, ये है बाबा हमारे साथ, ये हर हर महादेव, जय हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये जो गठबंधन हो रहा है उसका धागा लेके अभी हमें जाना है यहाँ से, और बस 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 बाबा गठबंधन का धागा लेके देखो वो दिखाता हूँ मैं पीछे, बाबा हमारे साथ जो ढोल मजीरा बजा के चल रहे हैं, नगाड़ों के साथ गठबंधन लेके जा रहे हैं हम लोग। ये देखो धागे ऊपर से बन के ये गिर रहे, 3 हमारे हैं, ये आया, और हम इन्हें अपने हाथ से लेके जाएंगे माता पार्वती के मंदिर तक। ये है सामने माता पार्वती का मंदिर और ये है महादेव का मंदिर, यहाँ से वहाँ तक अभी धागे जाएंगे और फिर होगा गठबंधन। तो भाई फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं वैद्यनाथ बाबा के धाम के और हमने कर लिया है अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 12,000 किलोमीटर का तीसरा ज्योतिर्लिंग फाइनली। भाई इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट, सुबह 5 बजे 5:30 बजे से उठ के यहाँ पे लाइन में लग के दर्शन करना और भाई इतनी भीड़ में धक्का मुक्की करके, मतलब कैसे ना कैसे बाबा पे आज जब हाथ जोड़े भाई मज़ा आ गया, लिटरली दिल खुश हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे प्रसाद वसाद हमने पार्वती, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, हमने पार्वती जी का गठबंधन भी जो चल रहे हैं वो सब आपने देखा होगा। हालांकि ये आपकी इच्छा है क्योंकि ये यहाँ की विशेषता है कि यही 12 ज्योतिर्लिंग में एक ये मंदिर है जहाँ पे गठबंधन किया जाता है इस तरीके धागे का, और उसका बचा हुआ धागा भी मिलता है हमें प्रसाद के रूप में, जैसे कि ये मिला हुआ है, और कहते हैं इसे घर पर रखते हैं। यहाँ भैया लोग दुकान पर सामान चूड़ी माता पार्वती का श्रृंगार सब कुछ बेचते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी आप मंदिर के इन हाउस ले सकते हैं। और भाई मैं आपको बताऊँगा, कभी भी वैद्यनाथ धाम में आना तो वीआईपी टिकट या किसी भी तरीके की लोकल जो पंडित होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, क्यों, आप आके खुद से ही दर्शन कर सकते हो। वीआईपी लाइन और कॉमन जो लाइन लगी होती है वो आके मंदिर के द्वार तक सेम सिंगल हो जाती है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, आपको खुद दर्शन करने होते हैं और बाबा के दर्शन अच्छे हो जाते हैं। तो बस अब यहाँ से प्रसाद प्रसाद लेके हम फाइनली निकलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भाई साहब दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं कहाँ, वासुकी नाथ, क्योंकि कहते हैं वैद्यनाथ धाम अगर आप बिहार में देवघर में करते हैं और वासुकी नाथ बाबा के दर्शन नहीं करते हैं, जैसे काल भैरव होते हैं हर जगह, यहाँ भी भैरव का मंदिर था, वहाँ तो दर्शन हो गए, लेकिन उसके अलावा भी वासुकी नाथ में बाबा के दर्शन करने होते हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं वासुकी नाथ, जो कि करीबन 1 घंटे की ड्राइव है बाबा वैद्यनाथ धाम से, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो बस ऐसी ही जर्नी आप लोगों के साथ हमारी ये चलती रहेगी, आप लोग देखते रहो, प्यार बनाए रखो और कमेंट में हर हर महादेव तो जरूर लिखो, ठीक है।
बाकी यार सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं पड़ते हैं, फ्री ऑप्शन होता है, आप देखोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमारी जर्नी यूं ही चलती रहेगी आप लोगों के साथ। और ये भी मेंशन कर देना अगर आप लोग कमेंट करते हो कि किस स्टेट से हो, ताकि भाई को लगे, पता चले कि कौन कौन से स्टेट में हमारी वीडियो भाई लोग देख रहे हैं, जो कि हमारी एक छोटी सी फैमिली आज है, कल शायद धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। तो चलो फटाफट चलते हैं वासुकी ना, तो दर्शन कराते हैं फिर आपको। हम लोग तीनों निकल चुके हैं, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है पार्किंग में और अब जा रहे हैं कहाँ, वासुकी नाथ दर्शन करने। शिवगंगा कुंड है यहाँ पे, अगर आप स्नान नहीं करके आते तो स्नान भी कर सकते हो, व्यवस्थाएं हैं, देखो यहाँ पे पूजा पाठ जल वल सब मिलता है। तो अब हम लोग प्रसाद वरसाद यहाँ के लिए भी लेते हैं और फिर चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और आप लोग भी इंजॉय करो। भाई ये देखो बूढ़ी दादी हैं लेकिन श्रद्धा लोगों की, ये देखो। तो ये है एग्जिट गेट जहाँ से हम लोग निकले हैं दर्शन करने के बाद, और एंट्री गेट भाई यहाँ से है, ये सामने है वासुकी नाथ के मंदिर की एंट्री गेट। ठीक है भाई, माहौल देखो यहाँ पे, अगेन ये माता पार्वती का है, ये वासुकी नाथ ज्योतिर्लिंग है, ये देखो सामने लिखा हुआ है आपके वासुकी नाथ ज्योतिर्लिंग, और ये देखो गठबंधन तार, ये माँ काली का मंदिर है, यहाँ पे रौनक तो यहाँ पे भी काफ़ी है, ये देखो। तो भाई वासुकी नाथ में भी दर्शन वगैरह जो है काफ़ी अच्छे हुए हैं, यहाँ पे भी सेम डिट्टो, इसीलिए कहते हैं कि भाई वासुकी नाथ अगर आप बैद्यनाथ धाम आए हो तो बिल्कुल वासुकी नाथ आओगे, क्योंकि ये वासुकी नाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है और जब आप दोनों को कंप्लीट करोगे तब आप जाके बैद्यनाथ धाम की यात्रा पूरी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, माता पार्वती का मंदिर और महादेव का मंदिर दोनों। और यहाँ पे सबसे एक खासियत और है कि यहाँ पे आप अपने सर को जिस पे बाल होते हैं वो शिवलिंग में नहीं लगा सकते हो, तो हम लोगों को सर लगाने नहीं दिया, इवन बहुत से लोगों को सर लगाने नहीं दिया, हाथ जोड़े जल चढ़ाया माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को, अपने दोनों को, मतलब फुल्ली सेटिस्फेक्शन जो दर्शन, बाल बेसिकली बाल अलाउड नहीं होते, हाँ बाल वगैरह जो है मंदिर पे मतलब शिवलिंग पे टच करना अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से हमने माता पार्वती पे जल चढ़ाया और भोलेनाथ पे जल चढ़ाया, काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। और बस अब हमारा देवघर छोड़ने का टाइम आ गया है जो कि तीर्थ नगरी है, अब हम निकलेंगे मध्य प्रदेश। राइड कितने किलोमीटर की है आप गेस करोगे ना भाई, इमेजिन नहीं कर पाओगे, काफ़ी लंबी राइड होने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये अगर देख पा रहे होगे 1441 किलोमीटर की राइड है, तो 1441 किलोमीटर जो कि टोटल लगेंगे 27 घंटे, और हम कहाँ पहुँचेंगे, सीधे उज्जैन महाकालेश्वर अपने चौथे ज्योतिर्लिंग की ओर। तो काफी मजा आ रहा है दर्शन करके यार, थकावट जो है बिल्कुल निकल जाती है, कोई थकावट नहीं रहती 1% की, कि हम कब सोए कब उठे कितनी गाड़ी चलाई कुछ भी मैटर नहीं करता यार, बाबा के दर्शन 2 मिनट भी हो जाते ना चैन भाई, मजा आ जाता है, अलग ही पावर है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल महादेव की एनर्जी अलग ही है। तो ऐसे ही हम लोग मस्ती से आगे महादेव का नाम लेके बढ़ते रहेंगे और अपनी इस जर्नी को भी चौथे ज्योतिर्लिंग महाकाल के पास लेके चलेंगे धीरे धीरे वहां से। और मस्ती रही बात, पीछे हमारे गौतम भाई बैठे हैं जो हमारा मेन कंटेंट है, इनको बेचारे को आगे बैठने का एक मौका मिला था, 4 गलतियां की, पीछे बैठा दिए गए हैं, और हमने अपना पनिशमेंट मेन्यू टांग रखा है कि जो जैसी गलती करेगा उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। तो बस अब धीरे धीरे मौसम काफी अच्छा हो रखा है, आप लोग राइड इंजॉय करो और फिर हम धीरे धीरे आपको लेके चलते हैं कहाँ, सीधे उज्जैन महाकालेश्वर। बीच बीच में मस्ती होती रहेगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस और बेल आइकन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना एक बार। तो बाकी चलो आगे चलते हैं, कहीं दूर निकलते हैं, फिर हम आपको कहीं खाने वाने रुकते हैं, फिर बात करते हैं, तब तक आप मौसम का मजा लीजिए, क्योंकि ये अगेन ये देवभूमि जो है तीर्थ नगरी देवघर की, जहाँ पे बैद्यनाथ धाम है और हमारे वासुकी नाथ है, त्रिकुट पर्वत भी है, तपोवन भी है, बहुत कुछ घूमने को है, लेकिन क्या है हमारे पास समय नहीं है कि हम हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें,
हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो उसमें हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को कंप्लीट करना है। बस आप लोग मौसम एंजॉय करिए, हम लोग राइड एंजॉय करते हैं और फिर कराते हैं आपको उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन। भाई साहब जस्ट अभी पलटा, जस्ट ये देखो इस पे से कूदा आ रहा था, देखियो बेवकूफ कितना बड़ा भाई। नहीं घूम के आ जाओ, हाँ पूरा देखियो लगी तो नहीं ना इसे, नहीं ट्रैक्टर की ट्रॉली पड़ी। अच्छा बस ट्रॉली। रोड पे चले तो खास कर ये हाईवे पे देख के चले, क्योंकि यार ऐसे बिल्कुल ना चले। देख रहे हो भाई सामने सामने ट्रैक्टर एकदम से पलटा, और अभी हम लोग अभी मतलब ऑलमोस्ट हमने करीबन क्रॉस कर दिया है, कितना 1441 था ना, वह 1077 किलोमीटर, जो कि आई बिलीव देखो रात बिरात जितना टाइम होगा उतने टाइम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि भूख भूख भी लगी हुई है, चले जा रहे हैं ड्राइव करे जा रहे हैं। क्यों चैन भाई, हाँ वो महंगा आदमी जो पीछे बैठा चिप्स चबाए जा रहा है, ठीक है हाँ चिप्स पड़े गेट के पास भाई, गेट के पास इधर वाले सेल्समैन मन रखा है भाई, पूरा सेल्समैन रेडी है इसकी, रेडी कह रहा नालेपाल लगाता है रेडी। नालेपाल कौन सा नाला? ये वाला नजफगढ़ वाला। नजफगढ़ पार भाई इसकी ठेले की दुकान है, कृपया जाएं चिपैक्स खाएं। रुके हैं खाना वाना खाने अभी मिर्जापुर से पहले, तो खाना वाना खाते हैं। ये लोग तो भाई साहब ड्राइवर समझ रखा है, बिल्कुल खाना वाना खाने नहीं दे रहा है, खुद लस्सी पी रहे हैं, मुझे चाय पिलवा रहे हैं ऐसी भरी दोपहर में, 43 सेल्सियस है। ये बैठा हुआ है और एक व्यक्ति ये बैठा हुआ है, ये पीछे वाला है जो बिल्कुल राजा महाराजा के सब तरह बैठा हुआ है, और ये पैसेंजर प्रिंसेस। अब यहाँ पर खाना वाना थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लें, और उसके बाद अभी बचा हुआ है हमारा करीबन 940 किलोमीटर्स टोटल, जो कि उज्जैन तक है। देखो आज रात तक खींच पाते कि नहीं खींच पाते हैं, बाकी अगर खींच जाता तो अच्छी बात है, नहीं खींचता है तो कल करेंगे, क्योंकि शरीर को तकलीफ नहीं देना है। तो बस चलो फटाफट खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, बात करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, जबलपुर से कुछ 20 किलोमीटर पहले, क्योंकि ऑब्वियसली यार अकेले ड्राइव करते करते थक गया। हमने आज ड्राइव की है ऑलमोस्ट लाइक 800 किलोमीटर्स, और अभी बस मध्य प्रदेश के होटल निधिवन, देखो ये हम पीछे होटल है एमपी में, होटल निधिवन के नाम से यहाँ पे रुके हुए हैं हाईवे पे, जस्ट हाईवे सामने हमारे हाईवे पे ही पड़ता है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो ठीक है यहाँ रुक जाते हैं और स्टे करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर की ड्राइव और बची हुई है। तो बस अब यहाँ पे रुक के देखो यहाँ का एम्बियंस दिखाता हूँ भाई, कुछ इस तरीके का है कि मज़ा आ जाएगा। ये देखो भाई सामने का लाइटनिंग वगैरह, पार्किंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे खाने वगैरह के लिए डाइनिंग वगैरह भी अच्छी है। वो हमारी खड़ी गाड़ी सामने, ये देखो, और हमारे रोहित भैया, हाँ ये हमारे रोहित भैया जिन्होंने दिया हमें रूम भाई, बहुत बढ़िया रूम है, अभी रूम दिखाते हैं हम आप लोगों को, मज़ेदार रूम और बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस पे, एम्बियंस वगैरह भी देख लो, खाने वगैरह की किचन पर्सनल है यहाँ पे। सही बात है, थकावट के बाद शैतान मूवी की तरह झूला झूल रहा हूँ, झूला झुलाएगा, इतना झुलाना कि आज के बाद झूले ही नहीं है। बस इस तरीके की मस्ती चलती रहेगी, हमने कोशिश तो यही की कि आज ड्राइव कर ले, थोड़ी थकावट तो हो ही जाती है। अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे और सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे, कल सीधे पहुँचेंगे कहाँ, आपने चौथे ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि है उज्जैन में महाकालेश्वर। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ढेर सारा प्यार दो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, क्योंकि आज हमने अपनी 3500 किलोमीटर की जर्नी को ऑलमोस्ट पूरा किया है, और अभी बहुत बाकी है, करीबन 9,500 किलोमीटर बाकी है, तो और भी काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। काफ़ी लोगों से प्यार मिल रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे दर्शन होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, उसका सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों को इन वीडियोस में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट में हर हर महादेव तो ज़रूर लिखना। बाकी खाना ना खा के हम लोग यहाँ रेस्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।